नमस्कार, जुबली पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्कर्ष सिन्हा। आज की बात एक घटना से शुरू होती है। आज सुबह की ही बात है। सुबह सुबह घर के बाहर एक शख्स दिखाई दिया, साइकिल पर हैंडल में एक पानी की बोतल टंगी हुई थी, आगे एक छोटा सा बच्चा बैठा हुआ था। धीरे से आवाज आई, साहब खाने के लिए कुछ मिल जाएगा। उसकी आवाज और उसकी आंख के सूनापन दोनों सिंक्रोनाइज थे। बहरहाल खाने का इंतजाम हुआ और उसके बाद बात आगे बढ़ी। 2 दिन से चला था अपने गांव जाने के लिए। फिलहाल लखनऊ में था, 150 किलोमीटर दूर गोंडा तक जाना था। उसकी एक बात अंदर तक हिला गई, आज तक मेहनत करके खाया है साहब, पहली बार किसी से कुछ मांग रहा हूं। बच्चे की भूख ने हौसला तोड़ दिया है। तालाबंदी ने बहुत कुछ तोड़ा है। आप कह सकते हैं कि इस बीच जो सबसे बड़ी चीज टूटी है वो है हौसला। लेकिन तस्वीर का एक दूसरा पहलू भी है। नजर में आज कल दिन भी अंधेरी रात है, साया ही अपने साथ था, साया ही अपने साथ। एक वीडियो देखा, बैलगाड़ी पर परिवार सवार था। बैलगाड़ी में एक तरफ बैल जूता था और दूसरी तरफ औरत। औरत पहले भी गृहस्थी की बैलगाड़ी में जुती होती थी, अब वास्तविक बैलगाड़ी भी उसी के कंधे पर आ गई है। जितना फ्लाइट चलाया हुआ उससे अगर 2-3 महीना अगर बंद किया जाता, ये पूरा गरीब प्रवासी मजदूर को ये नहीं भुगतना पड़ता। जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं, सड़क पर मजदूरों की मौत की खबरें आम होने लगी हैं। निराशा और हताशा में डूबे प्रवासी मजदूर अपनी सूनी आंखों और थके हुए पैरों के साथ हजारों किलोमीटर का सफर तय कर रहे हैं। मगर इनमें से कई इतने भी खुशकिस्मत नहीं हैं कि वे अपने घर वापसी के सफर को अंजाम तक पहुंचा पाएं। मलोरा एमपी झांसी। अगर तुम प्रशासन बस की व्यवस्था करवाए ना, बस से चलेगा तो लोग पैदल कहाँ जा रहे हैं? लो उलू बुधवार की रात देवबंद से एक बड़ी दर्दनाक खबर आई। वहां एक दुर्घटना हुई जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य घायल हुए हैं। ये मजदूर पंजाब से पैदल ही वापस लौट रहे थे और देवबंद की सीमा से सटे जब कोतवाली मुजफ्फरनगर की सीमा में पहुंचे तो पीछे से आ रहे एक अज्ञात वाहन ने उन्हें कुचल दिया। ये इकलौती घटना नहीं है। लखनऊ से एक मजदूर अपनी 2 पत्नी और 2 बच्चों के साथ उधार की साइकिल पर निकला और एक गाड़ी ने उन्हें कुचल दिया। कई जगह बीच रास्ते में थकान से मौत हुई जा रही है और इस दर्द भरे माहौल में सरकार की तरफ से बड़े बड़े पैकेज की घोषणा के अलावा कोई और पहल नहीं दिखाई दे रही। बस अड्डे वहाँ पे खाना रहने की भी व्यवस्था नहीं हो जाएगी और वहाँ से बस से भिजवा दिया जाए। सड़क पर पुलिस की मार से बचने के लिए रेलगाड़ी की पटरियों का रास्ता पकड़ा तो वहां भी कुचल के मर गए। वक्त भारी हो तो कुछ भी अच्छा नहीं होता। दिल्ली के फ्लैट में बैठे किसी ने सवाल उछाला, ये मजदूर ट्रेन की पटरियों पर क्यों सो गए थे? इस एक सवाल ने फ्रांस की रानी मेरी की याद दिला दी, रोटी नहीं तो ये लोग केक क्यों नहीं खा लेते? फ्रांस में तब क्रांति हो गई थी लेकिन भारत में नहीं हो सकती। घरों में बैठे उच्च मध्य वर्ग के लोग खानों की रेसिपी फेसबुक पर डाल रहे हैं। लॉकडाउन किसी के लिए पिकनिक सरीखा है तो किसी के लिए खुद को खोजने का वक्त। इस बीच आंकड़ों की बारिश भी बहुत तेज है, लेकिन अब इन सब के पहले आंखों में सड़कों पर कतार बांधे मजदूरों की तस्वीर भारी पड़ने लगी है। चलाया हुआ उससे अगर 2-3 महीना अगर बंद किया जाता, ये पूरा गरीब प्रवासी मजदूर को ये नहीं भुगतना पड़ता। फ्लाइट बंद नहीं करी उन्होंने, लोगों को बंद क्यों किया? जब बंदे करता तो ऐसा देखने के लिए नहीं, इतना
दिक्कत नहीं होती, अगर बंद हो जाती तो इतना प्रॉब्लम नहीं होती। क्यों प्रवासी लोग दूर से आता अपना अपना स्टेट की ओर क्यों भागता खाने पीने के लिए? हम लोग क्या हैं? हम लोग भी पढ़े लिखे हुए, ग्रेजुएशन किए हुए हैं, नौकरी नहीं मिलती, कितना तैयारी करके बैठ गए हैं, बिहार पुलिस एग्जाम दिया, सब पैसा देकर सीट बुकिंग करवा लेता, हम लोग पढ़े निकल नहीं है। जिसके पास पैसा तो अप्लाई किया था, रेलवे में भी अप्लाई किया था, कुछ हो भी नहीं करता। जब परीक्षा होता है पूरा लीक हो जाता है, क्वेश्चन लीक हो जाता है, क्या सरकार का धंधा है? ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश में कोरोना की जंग से सरकारी सेना पस्त होने लगी है। अफसर लगातार आंकड़ेबाजी के करतब दिखा रहे हैं और मुख्यमंत्री उन आंकड़ों को कैमरों के सामने पढ़ दे रहे हैं। हालात इस कदर बिगड़ चुके हैं कि अब सरकारी घोषणाओं को लेकर आम जनता में कोई उत्साह नहीं रहा। घर की ओर लौटते एक मजदूर से एक पत्रकार ने जब 20 लाख करोड़ के पैकेज की बात की तो उसका जवाब था, हम सबके लिए तो एक बस का जुगाड़ नहीं कर पा रही है सरकार, हम क्या जाने इतना पैसा क्या होता है। गरीब की फिक्र का दावा करने वाला सरकारी तंत्र आम मजबूर की इस दिक्कत का अंदाजा क्यों नहीं लगा पा रहा है, यह समझ से परे है। भारत का मध्य वर्ग उलझा हुआ है, वो कभी आंकड़ों की गणित समझने में उलझता है, कभी अपनी नौकरी की फिक्र करता है, तो कभी नेटफ्लिक्स पर खुशी तलाश करता है। उसके पास तात्कालिक खुशी के लिए रेडीमेड मीम्स हैं जो उसे सोशल मीडिया पर व्यस्त रखते हैं। उसके पास अपनी भावनाओं को सार्वजनिक रूप से व्यक्त करने का मौका है जिसे वो लगातार इस्तेमाल कर खुद को हल्का बनाए रखने की कोशिश कर रहा है। लेकिन मजबूरों के साथ उसका एक रिश्ता जरूर बना है, वो रिश्ता है फिक्र का, भरोसे का। दोनों को फिक्र है, दोनों के भरोसे डगमगाए हुए हैं, अनिश्चितता दोनों की आंखों में गहराने लगी है। नजर में आज कल दिन भी अंधेरी रात है, साया ही अपने साथ था, साया ही अपने साथ। कितनी खबरें बताई जाएं और कितनी फिक्र की जाए, मजबूर घर के लिए निकल चुका है, उसको किसी से उम्मीद नहीं है, या यूं कहिए कि उसकी सारी उम्मीदें टूट चुकी हैं। मध्य वर्ग खुद को आश्वस्त दिखा रहा है मगर फिक्र उसको भी है, और उच्च वर्ग हमारे मतलब की चीज नहीं क्योंकि उसका इन सब चीजों से बहुत फर्क नहीं पड़ता है। जरा सोच के देखिए, अगर कुछ लाख रुपयों में से कुछ हजार रुपए कम हो जाते हैं तो क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन कुछ हजार में से अगर कुछ सौ खत्म होते हैं और कुछ सौ में से कोई दस रुपया खत्म होता है, और अगर दस ही रुपए हैं और वो भी खत्म हो जाए, कोई विश्लेषण नहीं, कोई राय नहीं, कुछ कहने की स्थिति नहीं। हालात हैं, हमारे सामने हैं, आपके सामने हैं, सबके सामने हैं। उम्मीद बतनी की जा सकती है कि सरकारें आंकड़ों को छोड़ के संवेदना की भाषा भी बोलना सीख जाए। सरकार अगर संवेदना की भाषा समझेगी तो शायद उसके काम भी संवेदना के जरिए ही हो जाएंगे। जुड़े रहिए हमसे, हमारे YouTube चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हम फिर मिलेंगे आपके साथ एक नए मुद्दे के साथ जुबली पोस्ट पर।